राधे राधे आप सभी प्यारी बहनों को। तो आज देखो 17 जुलाई बुधवार है और आज देवसोनी एकादशी है। आज के दिन 4 महीना के लिए देव सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी को ये उठेंगे। तो आइएगा सुनते हैं एक बलि राजा की अपन कथा सुनते हैं। एक राजा था बलि राजा था, तो वो उसने तीनों लोकों में राज कर रखा था। उस राज से वो सारे दैव देवता बहुत ही परेशान हो गया। सारे इकट्ठा होकर के नहीं विष्णु भगवान के पास आया और विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे विष्णु भगवान, राजा ने तीनों लोकों में राज कर रखा है, कोई ऐसा उपाय आप देखो। तब विष्णु भगवान है जो बालक का रूप बना के और बलि राजा के दरबार में आते हैं। बलि राजा उस दिन देवसोनी एकादशी थी, उस दिन बहुत बड़ा यज्ञ कर रखा था। बलि राजा के गुरुजी शुक्राचार्य थे, तो वो यज्ञ कर रहे थे। बलि राजा विष्णु भगवान बलि राजा के दरबार में जाकर खड़ा हो गया। हवन यज्ञ पैसे बलि राजा ब्राह्मण के पास आया और कहने लगा कि बालक आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण कहता है, महाराज मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। बलि राजा जोर से हंसा और कहने लगा कि बोलो आपने मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि का मांगा है, आप और भी कुछ मांग सकते हो। विष्णु भगवान कहता है कि नहीं महाराज, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए, आप संकल्प करके मुझे भूमि दान करोगे तब तो ब्राह्मण लेगा, नहीं तो आपकी भूमि को नहीं लेगा। बलि राजा हाथ में पानी लेकर के नहीं और वो भूमि दान करता है। तो शुक्रिय राजा गुरुजी थे बलि राजा के, वो आए, उन्होंने कहा कि बलि राजा ये ब्राह्मण नहीं है, ये आपको छलने आया है, विष्णु भगवान है, आप इसकी बातों में मत आओ, आप भूमि का दान मत करो। पर बलि राजा नहीं माना, हाथ में पानी लेकर के नहीं और वे जो भूमि का दान कर देता है। फिर विष्णु भगवान एक पग भूमि नापता है तो उसने पूरी पाताल ना पूरा ब्राह्मण नाप लिया। दूसरा पग नापने लगा तो पूरी पृथ्वी नाप ली। तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं रही। बलि राजा बोला, भगवान मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरी देह को नाप लो। तब ब्राह्मण विष्णु भगवान ने बलि राजा के सिर पर पैर रख लिए तो बलि राजा पाताल में चला गया। तब विष्णु भगवान बोला, बलि राजा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ वर मांग लो। बलि राजा कहता है कि महाराज मेरे 4 महीना इस शील सागर में आप पहरेदार बनकर रहो। तब विष्णु भगवान ने हाँ कर दिया। विष्णु भगवान उस दिन से 4 महीना शील सागर में पहरेदार बनकर रहते हैं। उधर लक्ष्मी माता विष्णु भगवान को ढूंढती रही, कहीं नहीं मिले। जैसे मालूम पड़ा तो लक्ष्मी माता ने कोई उपाय सुझाया और रक्षाबंधन पे वो राखी लेकर के नी बलि राजा के आती है। बलि राजा को भाई बनाया, उसके राखी बांधी। बलि राजा बोला, बहन आपको जो मांगना है सो मांग लो। उसकी भाभी है जो मोतियों का, हीरा मोतियों का भरभर थाल जवाहरातों का लेके आती है और कहती है कि बहन जी ये ले हो। तब वो कहती है कि भाभी ये धन दौलत तो सब कुछ मेरे ही बहुत हैं। तब उसका भाई कहता है, बहन मांग क्या मांगती है। तब लक्ष्मी उसकी बहन कहती है कि भैया आपके ये पहरेदार है, मुझे तो आप यही दे दो। तब बलि राजा है जो उस बहन को पहरेदार को दे देती है। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान को लेके बैकुंठ में जाती है और वहाँ आपके राज करती है। उस दिन से 12 महीना में 8 महीना तो विष्णु भगवान बैकुंठ में रहते हैं और 4 महीना बलि राजा के फेरेदार बन करके नहीं रहते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी? आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। राधे राधे आप सभी को मेरी प्यारी।